जहां देश का एक धड़ा शाहरुख खान की फिल्म पठान को फ्लॉप बनाने में बिजी था, तो वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड के टाइगर सलमान खान ने अपने दोस्त शाहरुख खान की फिल्म पठान को जमकर प्रमोट किया, जिसका असर पठान के पहले ही दिन के कलेक्शन पर भी देखने को मिला है। लेकिन अब इन दोनों की जोड़ी थमने का नाम नहीं ले रही है। दोनों ने मिलकर साथ काम करने का फैसला कर लिया है। शाहरुख खान की फिल्म पठान इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर कमाई कर रही है। फिल्म का टोटल कलेक्शन 350 करोड़ के करीब पहुंच गया है। अब हाल ही में फिल्म के राइटर श्रीधर राघवन ने संकेत दिया है कि आने वाले समय में सलमान और शाहरुख खान को दोबारा साथ में देखा जा सकता है। उन्होंने बातों ही बातों में इशारा किया है कि भविष्य में पठान और टाइगर को साथ लेकर आया जा सकता है। यह मुख्य रूप से एक क्रॉसओवर होगा जो ऑडियंस के लिए अलग अनुभव होगा। पठान में सलमान खान के कैमियो को काफी ज्यादा पसंद किया गया था। दोनों सुपरस्टार को एक साथ एक ही फ्रेम में देखना ऑडियंस के लिए एक ट्रीट की तरह था। अब उम्मीद ऐसी है कि यशराज स्पाई यूनिवर्स की अगले फिल्म में पठान और टाइगर साथ साथ आ सकते हैं। श्रीधर राघवन ने पिंक विला से बातचीत में कहा है कि वो स्पाई यूनिवर्स की अगली फिल्म सलमान और शाहरुख दोनों को एक साथ लाने की कोशिश करने वाले हैं। पठान के ट्रेलर के साथ यशराज फिल्म ने इस बात की घोषणा की थी कि वो अब एक स्पाई यूनिवर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें यशराज फिल्म के बैनर तले आज तक की जितने भी जासूसी बैकग्राउंड पर फिल्में बनी हैं, वे सभी इस यूनिवर्स में शामिल होगी। 2012 में आई सलमान खान की फिल्म एक था टाइगर एक स्पाई यूनिवर्स की पहली फिल्म थी। वही ऋतिक रोशन की वार और पठान भी इसी यूनिवर्स का हिस्सा हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले समय में तीनों सुपरस्टार को एक ही फिल्म में एक साथ लाने की कोशिश की जाएगी। सलमान और शाहरुख खान को पठान में देखा जा चुका है, अब इस फ्रेंचाइजी को अगली फिल्म टाइगर 3 में भी कुछ ऐसा ही अलग देखने को मिल सकता है। थिएटर्स में पठान का ब्लॉकबस्टर रन जारी है। फिल्म ने 8 दिनों में तकरीबन 350 करोड़ का कलेक्शन किया है। रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के 8वें दिन यानी बुधवार को फिल्म ने 17 करोड़ की कमाई की है। पठान ओपनिंग वीक पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। इसने KGF 2 और बाहुबली 2 के हिंदी वर्जन का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। तमिल और तेलुगु आंकड़े मिला दी जाए तो फिल्म की कुल कमाई 350 करोड़ है। वहीं फिल्म ने अब तक 650 करोड़ से ज्यादा का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी किया है। बहरहाल पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय, आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही ऐसे अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।